मेंटल मेंटालिटी केटल से ऊपर, उनको खाने पीने की बात नहीं, वो भुखा रहेगा। मेरी तारीफ होती है ना तो दो दिन तक पुकारूंगा, मगर मेरी तारीफ होनी चाहिए। ज्यादा पैसा कमाने वाला इंद्रिय के विषय को पुष्ट नहीं कर सकता, मैं रिपीट करना चाहूँ, पुकार देता है। अब उनको बोलो दो दिन तक घूमने को घूमना पड़ेगा, बाहर के पास जाना पड़ेगा, ऑर्डर लेना पड़ेगा, खाने का ठीक वो मार गोली खाने पीने की, फिर देख लेंगे, पहले पैसे की बात कर। कैटल मेंटालिटी से ऊपर उठ गया, मगर मेंटल मेंटालिटी। और उपदेश माणा नाम के ग्रंथ के हिसाब से बात करूं तो कैटल मेंटालिटी वो अर्थ ध्यान, मेंटल मेंटालिटी वो द्रव द्रव। चौबीस घंटे आपकी खोपड़ी में मेंटल मेंटालिटी चलती है तो निश्चित तौर से मानना रौद्र ध्यान, और रौद्र ध्यान नरक गति का कारण, अर्थ ध्यान त्रिंज गति का कारण। आपको मालूम तो बताऊं, थोड़ा आपको टफ लगेगा, मगर संपत्ति आने के बाद 24 घंटे संपत्ति की सुरक्षा का विचार, ये संरक्षण अनुबंधी रौद्र ध्यान। मेरे पास जो आए पैसे कहीं जाने नहीं चाहिए, लॉकर में रखूंगा, ऐसे रखूंगा, वैसे रखूंगा, कोई मांगने के लिए मेरा भाई आएगा तो भी नहीं दूंगा, ये सब आपके मन में सोच चलती है। उनको उपमिति भोग प्रपंचा कथा नाम का ग्रंथ संरक्षण अनुबंधी रौद्र ध्यान लिखते, कमाने की बात नहीं, आ गया, मगर आने के बाद किसके बाप की ताकत नहीं मेरे पैसे को छू सके, मेरा भाई भी, मेरा बाप भी नहीं, मेरी पत्नी भी नहीं, मेरा बेटा भी नहीं, यदि कोई बीच में आया। उपमिति में लिखा है ये संरक्षण मंदिर रुद्र ध्यान और ये नरक गति का कारण है। सुरक्षा की सोच गलत नहीं है, मगर सुरक्षा के बीच में यदि कोई आ गया तो मेरा बाप होगा तो भी इनको एक बार तो दिखा दूंगा बाप बाप की जगह पे, ये जो चलता है ना। उपमिति में एक द्रमक का पात्र है भिखारी का, और वो पात्र को लेकर के लिखा है कि वो ऐसे ही रास्ते में सोया है और सोते सोते सोच में चढ़ गया है, वहाँ शादी है, मैं शादी में मांगने के लिए जाऊँगा, नमकीन रखा उसने, और भी भिखारी आएंगे मगर सबसे टॉप पे मैं जाऊँगा, और दूसरे भिखारी को दे इनके पहले मालिक के पास, मैं सबको ले जाऊँ मिष्ठान नमकीन सोको सब कुछ लेके मैं आ जाऊँगा, आने के बाद कोने में बैठूंगा और अपनी तपेली को संभाल के रखूंगा, थोड़ी जबकी नींद ले लूंगा, और यदि कोई आया मांगने के लिए हड्डी बड्डी तोड़ दूंगा, मर्डर कर दूंगा। उपमिति में द्रमक की सोच लिखी है, भिखारी किसके घर से पीक माके में जो लाऊंगा, इसको कोई अटैक करेगा तो उनका हड्डी तोड़ दूंगा, आंख फोड़ डालूंगा, मार डालूंगा, ये संरक्षण दुर्जन। और भिखारी सात नरक में चला जा सकता है, मेटल मेंटालिटी आपको नरक गति का बुकिंग करा सकती है, कराएगी नहीं, करा सकती है। पैसा प्रशंसा प्रसिद्धि बड़ी चीज, आपका पुण्य का उदय हो। आनंद और श्रावक के बाद जो परिग्रह था ना, वो परिग्रह परिमाण तुम देखो तो धीरूभाई अंबानी केजी में लगे, वो भगवान महावीर के 10 श्रावक में 2 नंबर के श्रावक थे आनंद और कामदेव। आप मुझे इतना कह सकते हो तो मैं दिल से आपको बहुत बहुत लाख लाख धन्यवाद दूंगा। गुरुदेव आपको पाने के बाद मैंने मेरा परिग्रह कम नहीं किया है, मगर आपसे नहीं बढ़ाने का मेरा पचकान है। आनंद और श्रावक महावीर भगवान को पाने के बाद बढ़ाया नहीं उसने, आपके पास जो भी था उसको कम कितना किया वो मालूम नहीं, मगर बढ़ाने की बात हो गई प्रभु। आज आपके मुंह से सब कुछ सुन लिया, और मैं मेरे पास अभी जो भी आते हैं उनको दो ही प्रश्न, कभी कभी नए लोग आते और मुझे पूछते महाराज साहब कोई टिप्स कोई बात करो, मैं उनसे कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, पहली बार आए धर्म को मालूम नहीं है, मैं इनको इतना ही पूछना चाहता हूँ कि दुनिया को मिलेंगी, दुनिया तुम्हें पूछेंगी, आप जगत में किसी को भी मिलो वो आपको एक प्रश्न पूछेगा तेरे पास क्या है, और जगतपति ये पूछेंगे तेरे साथ क्या है, तेरे पास क्या है वो दुनिया पूछती है, तेरे साथ क्या है वो भगवान महावीर पूछते, आप इनका जवाब दे दो।
आपके पास क्या है वो, या आपके साथ क्या है वो। संरक्षणानुबंधी रौद्र ध्यान, यह है मेटल कैंटालिटी। आज इस सभा में बैठने वालों को पूछना चाहता हूं, हमारे में भी ये मुनि जिन में मुपत्ति को भी मैं लाया हूं कहीं गोचरी बेर के, मेरी मुपत्ति में किसको नहीं दूंगा, मेरा कोई साधु मांगे, मेरे गुरुदेव मांगे, ये भी मेटल मेंटालिटी, ये भी रुद्र ध्यान। पुण्य से जो भी आपको मिला उनको सुरक्षित करने का आपका भरपूर प्रयास, वो है संरक्षण मंदिर रुद्र ध्यान।